उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इन दिनों मौसम के बदलते ही डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके चलते जिले में 16 मरीजों की रिपोर्ट डेंगू से पॉजिटिव आई है और अब तक एक मरीज की जान भी चली गई। डेंगू जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए जहां जिला प्रशासन लगातार जनपद में जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं, तो वहीं जिला अस्पताल में भी जिला प्रशासन द्वारा एक स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर डेंगू पेशेंट्स को भर्ती करके उनका इलाज कराया जा रहा है। इस मामले पर सहायक चिकित्सा अधिकारी वीके सिंह ने कहा कि डेंगू का जो बरसात का सीजन होता है, ऐसे में जब जल भराव होता है तो बैक्टीरियल बीमारियां होती है, जैसे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया का खतरा ऐसे में ज्यादा रहता है। इन दिनों डेंगू का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में जनपद में पूरी व्यवस्था की गई है, जो टेस्टिंग की जाती है वो टेस्टिंग हो भी रही है। डेंगू का इन दिनों जब बरसात के बाद का सीजन होता है, जल भराव होता है, इन दिनों जितने भी वेक्टर जनित रोग हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, इन सब बीमारियों के प्रकोप सामान्य से ज़्यादा होते हैं। इन दिनों डेंगू का कुछ प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसके लिए जनपद में पूरी तैयारी है। जो हमारे पास जो टेस्टिंग है वो भी है, करा रहे हैं हम। 94 टेस्ट अभी तक हुए हैं, जिनमें से 16 पॉजिटिव भी आए हैं। और उसके अलावा जो घर घर जो जागरूकता का अभियान है वो चल रहा है। वीके सिंह ने बताया कि अब तक 94 टेस्टिंग हो चुकी है, जिनमें से 16 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा घर का जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे साल में 3 बार इस तरह का अभियान चलाया जाता है। फरवरी में चलाया गया था, उसके बाद जुलाई में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहा, उसके बाद अब अक्टूबर में 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच इस विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को चलाया जाएगा। घर घर जाकर आशाओं और आंगनबाड़ियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा न होने दिया जाए। कूलर में टूटे हुए बर्तन पड़े होने से भी इनमें डेंगू के मच्छर पनपने का खतरा रहता है, जिसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 1 से 15 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है और इसे आगे भी इसी तरह चलाया जाएगा। वीके सिंह ने कहा कि कहीं भी जल भराव या कूड़ा करकट ना हो, इसी का ये नतीजा है कि हमारे यहाँ पिछली बार भी केस कम थे और इस बार भी डेंगू के मामले कम ही है।